तो दोस्तों जैसे देख रहे हो, जैसे ही मैंने मेरे फ़ोन को चार्ज दिया और यहाँ पे कैसे मेरा खुद का फ़ोटो आ गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे किया और कौन सा ट्रिक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साहिल फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई साहिल, और आज मैं बताऊंगा, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया, जैसे मैंने चार्ज पे लगाया तो खुद का फ़ोटो मेरा आ गया था। तो इस तरह से आपको इसी ट्रिक को सीखने के लिए आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो इसी खुशी में वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है। और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड ए पब्लिक कमेंट आएगा, ऐड ए पब्लिक कमेंट में यहाँ पे आपको एक कमेंट कर देना है, यहाँ पे चार्जिंग फोटो फिर लिख देना है ऐप। सिंपली जैसे ये कमेंट कर दोगे चार्जिंग फोटो ऐप तो कमेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों ये सेटिंग आपके फ़ोन में करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपके फ़ोन में गूगल है गूगल पे चले जाना होगा, गूगल क्रोम पे जाके गूगल पे जाना होगा। फिर आपको यहाँ पे लिख देना होगा 5EFEATS फिर .com ये लिख देना होगा। जैसे ये लिख के आप सर्च करोगे, ये लिख के आप सर्च करने के साथ साथ इस तरफ से आपके सामने आ जाएगा, और जैसे आएगा फिर यहाँ पे सर्च वाला बटन आएगा। इसी सर्च वाला बटन में यहाँ पे लिख देना होगा चार्जिंग। जैसे आप लिखोगे चार्जिंग, लिख के आप सर्च करोगे, सर्च करने के साथ साथ इस तरफ से आपके सामने आएगा बैटरी चार्जिंग स्क्रीन फोटो ऐप, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसमें क्लिक करोगे इस तरफ से आएगा, फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा, और जैसे नीचे आ जाओगे फिर आपके सामने यहाँ पे ऐप लिंक मिलेगा, और इसी ऐप लिंक को क्लिक करके डाउनलोड हियर वाला ऑप्शन में क्लिक करके इस ऐप को आप आपके फ़ोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों इस ऐप को आप आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हो, इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको कैसे करना है ध्यान से देखो। तो ये जो ऐप है, जैसे देख सकते हो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे, फिर माय फोटो बैटरी चार्जिंग, ये इस तरह से बैटरी चार्जिंग फ़ोटो इस तरह से आपके सामने दिखेगा, तो आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार करना होगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू ऐप, इसमें आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे अलाउ ऑल पे दबा के यहाँ पे दो बार अलाउ कर देना होगा। जैसे ही अलाउ कर दोगे, कर देने के बाद ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे माय फोटो बैटरी ये अलाउ कर देना होगा। फिर आपको बैक आ जाना होगा, और फिर बैक आ जाने के बाद फिर से कंटिन्यू टू ऐप में क्लिक करके फिर यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन देख रहे हो, तो आपको क्रिएट इमेज में क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्रिएट इमेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो लगाया था, ये वाला फ़ोटो लगाया था, तो ये वाला फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस तरफ से एक ऐड आता है, फिर ऐड को बस स्किप कर लेना है, और कर देने के बाद ऐड को हटा लेना है, फिर इस फ़ोटो को इस तरफ से आपको लगा लेना है, इस तरफ से सिलेक्ट करना है, कर देने के बाद राइट कर देना है, और राइट कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि तरह तरह का स्टाइल है, स्टाइलिश इस तरफ से फिर राइट कर देना है, और कर देने के बाद सिंपली और एक ऐड आएगा 5 सेकंड का ऐड बस सिर्फ, फिर यहाँ से ऐड को हटा लेना होगा। ऐड को हटा लेने के बाद इस तरफ से ये देख सकते हो, इस तरफ से इसका हाइट वगैरह आप यहाँ से सेंस कर सकते हो, और बहुत सारे इफेक्ट वगैरह है, जैसे रेन इफेक्ट देख सकते हो, ये बारिश का इफेक्ट भी है। फिर ये करने के बाद बस ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट सर्विस वाला जो ऑप्शन है, ये इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना होगा। जैसे ऑन कर दोगे, अभी मैं ऑन कर दिया, अभी मैं फ़ोन को यहाँ पे रखता हूँ, रखने के बाद इस चार्जिंग को लगाता हूँ, लगाते ही देखना अभी फ़ोन को ऑफ़ करके पूरी तरफ से मेरा फ़ोटो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो फ़ोन है इस फ़ोन को ऑफ़ करता हूँ, मतलब स्क्रीन को ऑफ़ करता हूँ, और जैसे ही मैं अभी चार्जिंग पर लगाया, और वाओ क्या बात है, देख सकते हो बिल्कुल अभी मेरा खुद का फ़ोटो यहाँ पे आ गया। तो यही वो ऐप है जिस ऐप की मदद से आप जब भी चार्ज लगाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।